शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिस ताली पे तुमने हाथ रखा है वो ताली मेरी है। तुम्हारी कैसे हो गई? तुम तो लाइन में भी नहीं हो। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस ताली पे तुम्हारा नहीं हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार भर दे ताली। तेरी किस्मत अच्छी तो आज बच गया माइकल, वरना तेरी मौत तुझसे उतनी ही दूर थी जितनी ये सलाख तुझसे दूर है। कालिया सब कुछ कर सकता है, एक निहत्ते पे वार नहीं कर सकता। खत्म हो सकती है, वक्त कभी खत्म नहीं हो सकता। बड़ी ऊंची छलांग लगाई है कालिया। रघुवीर सिंह की जेल से भागने की कोशिश कई कैदियों ने की, लेकिन जितनी दूर तुम पहुंच गए हो आज, इतनी दूर पहले कोई नहीं पहुंचा। आजादी हर कैदी का ख्वाब होती है, लेकिन अभी अभी तुम्हारे अंदर खून की हर बूंद और बार तुम्हारे शरीर का रोम चीखेगा और कहेगा, कालिया तुमने ये ख्वाब देखा तो खुद देखा। कालिया
इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा। समझे? इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके। जल्दी कर अंदर बैठ। आप लोग चलिए, मैं बाद में आता हूं। इस मिल से मुझे पुराना हिसाब चुकाना है। साहब, यही वो आदमी है जिसने मेरी मिल में आग लगाई। गिरफ्तार कर लीजिए इसे।
ये आग मेरी तरफ से तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान है शानी सेठ। आज के बाद तुम जो कदम उठाओगे तुम्हारी मौत की तरफ उठेगा। अगर हिम्मत है तो बता दो इन पुलिस वालों को कि आज तुमने क्या खोया है और मैंने क्या पाया है। शानी सेठ और ले चलो मुझे मुन्नी के पास। तुमने जितनी आतिशबाजी करनी थी कालिया कर ली। जहां तुम इस वक्त खड़े हो वहां मौत की बिसात बिछी हुई है। बिसात बिछाई है तो मर्द के बच्चे दम है तो सामने आओ। अब पहली चाल चलो अपनी। खेल तो बाद में शुरू होगा, पहले ये तो देख लो बाजी पे दाव क्या लगा है तुम्हारा। तुमने अकल की बात की का लिया जो वापस सफेद खाने पे आ गए, नहीं तो मुन्नी आटे की तरफ पिस के रह गई होती। अब एक नजर उधर भी देख लो। खबरदार कालिया कदम आगे मत बढ़ाना। इस पूरी बिसात पर सिर्फ वो सफेद खाना जिंदगी का है, बाकी सारे खाने मौत के हैं। भूल कर भी अगर तुम्हारा पांव उस लाल खाने में पड़ गया तुम्हारी मुन्नी नहीं बचेगी, और अगर इस हरे खाने में पड़ गया तुम्हारी भाभी नहीं बचेगी। वो सिर्फ एक शर्त पर जिंदा रहेंगे, अगर तुम उस सफेद खाने में रहो। इस खेल का एक और कायदा भी सुन लो, इसमें सारी चालें मैं चलूंगा और तुम एक चाल भी नहीं चल सकोगे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह हाथ किस लोहे का बना है जिसे तुम काटना चाहते थे। मगर तुमने अगर हाथ उठाने की कोशिश की तो ये तनी हुई बंदूकें तुम में इतना छेद कर देंगी कि तुम गिन भी नहीं सकोगे। ये पहला सैंपल उस चोरी के लिए है जो तुमने मेरे घर में की, इसलिए जरा नरम था। ये दूसरा सैंपल उस आग के लिए है जो तुमने मेरे कारखाने में लगाई, इसलिए जरा सख्त था। ये
और ये उस अनमोल हीरे के लिए था जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार। और ये सुनहरी घूसे वो सोने के लिए थे जो डॉक्स पे उतरा तो था मेरे लिए लेकिन पहुंच गया तुम्हारे को। अभी से लड़खड़ाने लगे बरखुरदार? अभी तो मुझे बहुत से हिसाब चुकता करने हैं। तुम्हारा हिसाब अगर मेरी मौत से चुकता हो तो चुका लो शानी सेठ, मगर इन मासूमों को छोड़ दो। इन मासूमों को छोड़ दो और खुद मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊं? नहीं कालिया, नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मौत के बाजार में अपनी जान की कीमत हर दूसरे की जान से ज्यादा होती है। तुम्हारे जैसे कमीने को प्यारी होती होगी अपनी जान। मेरे पास अगर हजार जाने भी होती ना तो मैं उसे भाभी के पांव और मुन्नी के सर पे वार देता। मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूं इसीलिए तो तुम्हारी जान भी ले रहा हूं मैं। आहिस्ता आहिस्ता। शाबाश कालिया, मुन्नी को तो तुमने बचा लिया, अब अपनी भाभी की जिंदगी का डूबता हुआ सूरज तुम अपनी आंखों से देखोगे। अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें। कल्लू, जितनी चालें चलनी थी चल चुके शानी सेठ, अब मेरी बारी है। जुर्म की शतरंज तुमने मुझे सिखाई है शानी सेठ। मैं तो एक मामूली प्यादा था जो सिर्फ एक घर चलता था और मार खा जाता था। तुमने मुझे वजीर बनाया है जिसकी पहुंच चारों तरफ होती है, मार भी जिसकी चारों तरफ होती है, जैसे ये मार। ये पहली मार उन 500 रुपयों के लिए है जो तुमने एक तवायफ को दे दिए लेकिन मुझे नहीं दिए। और ये मेरे भाई के मौत के लिए जिसने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में इंसानियत से बढ़कर और कोई चीज नहीं। और ये उस इंसान की मौत के लिए जो कभी मैं था, कल्लू, एक सीधा साधा आदमी जिसे तुमने अपने जैसा बना दिया, एक शैतान। तुम्हारी सबसे आसान मौत तो यही होगी कि मैं तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जान लूंगा जरूर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। Thank you.
मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ शाहनी, और अब तुम्हें वहां लेके चलता हूँ जहां तुम्हारी असली जगह है। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुबीर सिंह की जेल में ना जाओ। आईजीपी साहब, आप मुझे लेके जाएंगे बाहर। चलिए चलिए।